दोस्तों सलाम आदाब नमस्कार। देखिए दुबई की नंबर वन कंपनी का इंटरव्यू है 16 मार्च को और यह कंपनी ठेके पे काम देती है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम देती है। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना काम करके आपको आप पैसा कमा सकते हैं। किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। जितना आपकी पैसे की जरूरत है उतना काम करिए, घंटे के हिसाब से पैसा लीजिए, जान लीजिए काम के हिसाब से पैसा लीजिए। जो बहुत कम ही कंपनियां हैं जो इस तरीके से काम देती हैं, भाई आप जितना काम करेंगे, जितना भी काम करेंगे आपको उस हिसाब से कंपनी जो है आपको पैसा देगी। पहले तो जो है जो भी साथी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सलाम आदाब नमस्कार कबूल करिए। और आप एक शेयर से सिर्फ अगर आप भैया यह मत सोचिएगा कि मैं मोबाइल में बोल रहा हूं, आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, आमने सामने हमारी आपकी बात हो रही है। सिर्फ अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दिए ना, तो यह जानकारी जो है बहुत से फर्नीचर कारपेंटर भाइयों के पास पहुंच जाएगा। और जो आएगा 16 मार्च को इंटरव्यू देगा, वीजा रेडी है ऑन द स्पॉट, तुरंत मेडिकल और तुरंत जो है ऑफर लेटर लीजिए और तुरंत वीजा लीजिए। 15 दिन के अंदर आप दुबई जाके काम करिए, 15 दिन के अंदर। इस कंपनी में ऑलरेडी 15 से 20 आदमी मेरे काम कर रहे हैं जो कि बहुत खुशहाल और बहुत ही अच्छे से हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को तब तक शेयर करिए, पूरा फुर्सत में हूं, आपसे बात भी कर रहा हूं, आपके हर एक सवाल का जवाब भी दे रहा हूं, तब तक मैं पूरा जानकारी आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो यह देखिए जो है यह फर्नीचर कारपेंटर हमको 30 चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है विदेश रिटर्नर कंपनी मांग रही है, ठीक है, क्योंकि जो है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे काम देती है। पासपोर्ट आपका 10 फेल रहे, 10 पास रहे, कोई भी रहे आपका काम हो जाएगा। एज भी 25 साल से लगा के 48 साल तक, समझ रहे हैं, 25 साल से लगा के 48 साल तक एज आपका रहेगा, चल जाएगा। और दुबई में इम्प्लॉयमेंट वीजा है, सैलरी आपका 5.5 दरहम पर घंटा रहेगा, कम से कम 10 घंटा आपको ड्यूटी करना ही करना, ऊपर कर सकते हैं तो आपके ऊपर है। 6 दिन काम करना है, फ्राइडे को छुट्टी रहेगा, 2 साल का जो है वीजा रहेगा। इमिग्रेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सारा कंपनी आपको दे रही है। जो साथी इसमें इंटरव्यू देने के लिए आना चाहता है, देखिए नीचे हमारा ऑफिस का नंबर लिखा है 7880600477 और दूसरा है 7800477 इस पे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेता है बहुत ही अच्छा रहेगा, उसको सबसे पहले ही हम लोग इंटरव्यू देंगे दिलाएंगे। या डायरेक्ट इंटरव्यू के दिन 16 मार्च को आना चाहता है तो सुबह में थोड़ा जल्दी आना रहेगा अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर में बता देता हूं कि एक्चुअल में आप कितना कमाएंगे अगर अच्छे से आप काम करें तो। मेरे भाइयों वहां पे देखिए अच्छे कारीगर चाहिए ताकि काम हिल सके और काम के हिसाब से पैसा ले सके। इस समय दुबई का जो है करेंसी जो चल रहा है ना, वो जो है चल रहा है 22 रुपया 32 पैसा आज का डेट का है। देखिए ये आज का डेट का है, एक दुबई का रुपया यहाँ पे दरहम यहाँ पे 22 रुपया 32 होता है। एक घंटे की सैलरी आपको कितना दे रहा है, 122 रुपया 75 पैसा, 122 रुपया 75 पैसा कंपनी आपको दे रही है। और आप सोच लीजिए कि कम से कम 10 ही घंटा आप काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप मेहनती आदमी है, 12 घंटा भी काम कर सकते हैं। अगर 10 ही घंटा काम कर सकते हैं तो 10 × 122.75 या एक दिन का 1275 रुपया जाता है, जान लीजिए। हम मानते हैं चलिए हफ्ते में 2 ही दिन छुट्टी करेंगे, 28 दिन काम करेंगे तो 28 कर देंगे तो लगभग 34,370 नॉर्मल आप जो है ड्यूटी करेंगे तब इतना आप कमाएंगे, जान लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है और बहुत ही अच्छी जगह है और हर एक चीज कंपनी में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी है। तो आप आए 16 तारीख को इसमें इंटरव्यू दें। लेकिन कंपनी क्या कह रही है, केवल विदेश में काम कर चुके उम्मीदवार की ही आ सकता है। जो इंडियन एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा काम का कारीगर है आएगा तो हम कोशिश करा सकते हैं, भाई ठीक है इनको काम मालूम है, भले विदेश नहीं गए हैं लेकिन एक नंबर के कारीगर हैं, काम करा सकते हैं, हाँ तो बेहतर है। जिन साथियों के पास जो है टेस्ट टेट सर्टिफिकेट हो, आयसा का, एबीसी का, कहीं का भी, वो सिर्फ टेस्ट सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो इंटरव्यू नहीं लेगा, तुरंत आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑफिस हमारा सिर्फ मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर पे ही है, आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस पे आएंगे। और यह सारा रिक्वायरमेंट देखिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ,
फेसबुक का जिंदगी का वैसे तो कोई भरोसा नहीं है, तो फेसबुक की तो बहुत बड़ी बात है हाँ, क्योंकि कभी भी बंद हो जाता है कभी चालू हो जाता है। तो यूट्यूब है जो सदाबहार है, जो साथी यूट्यूब पे हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको क्या करना है, सिर्फ यूट्यूब पे जाके लिखेंगे परफेक्ट, देखिए हम लिख रहे हैं अपने परफेक्ट ग्रुप, ठीक है, परफेक्ट ग्रुप ऑफिस ऑफिस एड्रेस। जैसे ही परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस सर्च करेंगे ये देखिए हमारा चैनल आ जाएगा, लगभग 48,000 लोग शेयर कर मतलब जुड़े हैं। आप ही सिर्फ भैया आप ही सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते, तुरंत कर लीजिए। सबसे पहले मैं इसी पे वैकेंसी डालता हूँ जान लीजिए, और आने वाले समय में मैं फेसबुक पे रह भी नहीं पाऊंगा क्योंकि कभी बंद हो जाता है कभी चालू हो जाता है कभी कुछ होता है, समझ रहे हैं। तो इस चैनल को तुरंत का तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए आप डालेंगे परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस तो पूरा वीडियो बना के डाला हूं, आप इस वीडियो को देखेंगे आराम से चले जाएंगे, ठीक है। घर जाने मतलब जो गाड़ी से उसके लिए अलग रास्ता है और जो पैदल है उसके लिए एकदम शॉर्टकट रास्ता है एकदम नजदीक वाला, ठीक है। तो यह है जो साथी दूर से आएंगे उसके लिए बता दूं, मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ही हमारा ऑफिस है, रेलवे स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर। किसी से पूछेंगे मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है, वहां आने के बाद ये वीडियो देख लेंगे आपको पहुंचा देगा। और इस वीडियो को जो है आप देखिए सब्सक्राइब कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ सब्सक्राइब करके, ये देखिए यहाँ सब्सक्राइब ऐसे रहेगा, सब्सक्राइब करके आल घंटी वाला दबा देंगे। ये देखिए विदेश में गया था इस कंपनी का, देखिए ये सबका अलग अलग चाबी अलग अलग है। ये देखिए ये कंपनी का है, देखिए रहने का ही लोग काम कर रहे हैं। देखिए कितने साल थे इस कंपनी में? हमारा भी तो 3 साल हो गया भाई, अभी 3 साल हुआ। असल में तो के कौन सन में भेजे लेनी हम? 2015 में 7 साल हो गए, समझ रहे हैं। खाना खाना कहाँ बना? देखिए किचन फैसिलिटी लगा है, सारे चीजें हैं। तो आप लेट मत करिए, तुरंत आ जाइए आपके लिए है। बाकी जो हमारे शेयर हैं जो शेयर किए हैं वो बात करने के लिए तैयार हो जाए, पूरा जो है बात करने के लिए मैं रेडी हूँ। या कोई सवाल कोई पूछना चाहता है तो बेस शेयर करके कमेंट करके लिख दे तो हम जो है उसे उसके सवालों को जवाब दे सकते हैं। दोस्तों कोई भी सवाल है आप पूछना चाहते हैं बस शेयर करिए और कमेंट में लिख दीजिए, बस हम तुरंत जो है उसका सवाल का जवाब। देखिए अलाउद्दीन शाह साहब, बाप रे अलाउद्दीन शाह साहब हमारे शेयर कर चुके। देखिए शेयर जब करते हैं तो कम से कम नाम ही हमको मालूम चल जाता है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए अलाउद्दीन शाह साहब शेयर कर दिए, अनिल सिंह साहब भी शेयर कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, मैं आपको कॉल भी करना कर रहा हूं। और जी अनिल भैया नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या हाल है? सकता हूँ क्या? सिंगल नेम है मेरे पासपोर्ट में। दुबई जा सकते हैं, बस बहरीन नहीं जा सकते, बाकी हर एक जगह जा सकते हैं अनिल भैया। कल है ना इंटरव्यू? हाँ बहरीन तो सॉरी मान तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। था आपके उस नंबर जो दिए हुए हैं उस पे तो मना कर दिया, बोले कि सिंगल नेम में नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं वो समझे होंगे बहरीन के लिए, आप देश का नाम आप नहीं बताए होंगे। उमान के लिए बोला था जा सकते के हेल्पर में जाना है। नहीं अनिल भाई इसके लिए माफी चाहते, हो सकता है उनको नॉलेज ना हो, अभी उनको सही करता हूं मैं। और जो भी साथी देख रहे हैं सिंगल नेम सिर्फ और सिर्फ बहरीन में नहीं चलता है, बाकी किसी भी देश में आप जा सकते हैं। अनिल भैया हो सकता है उनका मिस्टेक हो, अभी मैं उसको तो बताता हूँ। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? कोई साथी है जो और बात करना चाहता है? वीडियो को तो एक बार शेयर करें, चार्ज तो बहुत कम लगता है प्रसाद भी लगते हैं, प्रसाद भैया काल तो बहुत कम लगता है। और जो है इलेक्ट्रीशियन का वीजा सबका वीजा भैया सबका, बस लाइव देखते रहिए, जो टाइम पे आएगा वो कोई ना बच पाएगा। दोस्त खाना बन गया हो? खाना नहीं बना रहे क्या आप लोग? अंडा उंडा कहाँ गया? तो कौन बना रहा है खाना? तो आप लोग इधर बैठे खाना कैसे बनेगा? अच्छा अच्छा कितने लोग हैं जो खाना नहीं खाए हैं? सारे लोग का बन रहा है ना कि अपने ही लोग बना? आप लोग अभी आए हैं क्या? अभी हम आए तो आप लोग से मुलाकात नहीं हुई, बैठिए इधर।
बात करेंगे जरूरी। हाँ, सबसे दूर से कौन आया है? सबसे दूर से पूर्णिया से। आ जाइए इधर आइए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी साथ खाना खाएंगे, जान लीजिए। हाँ समझ रहे हैं, बैठिए। आप किस काम से आए हैं? हाँ कल के इंटरव्यू के लिए। हाँ देखिए, इंटरव्यू का फैक्ट कल है, समझ रहे कि नहीं, लेकिन अपनी परिवार के लिए लोग कुछ बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए आज ही आ गए हैं कि नहीं, हम आज जो है बेहतर तरीके से पहुंच जाएंगे टाइम से, तो सारा काम हो जाएगा। एक बात बताइए, सारे लोग उसमें पूछ रहा हूँ, अगर दो ही विदेश से 10 रुपए कमी मिली। देखिए किसका फोन आ गया, आपका है, विदेश से 2 रुपया कमी हम लोग यहाँ पे मिली, तो कोई साथी है जो अपने बाल बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन सही से बताइए, कोई छोड़ के जाने वाला कैसे हाथ खड़ा करिए, कोई नहीं जाएगा ना, समझ रहे नहीं, कोई नहीं जाएगा। बाप हमारे घर पे आए हैं, या हमारा नहीं, या आपका घर है, समझ, जो भी हम रोटी चटनी खाएंगे आपको खिलाएंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे नहीं। जो साथी बहुत मजबूर होता है, समझ रहे, गलत कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ तो बोलिएगा। जो साथी मजबूर होता है और जो अपना उम्र अपना जिंदगी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है अपने परिवार के लिए, ताकि हमारे बाल बच्चे, हमारे भाई बहन अच्छे से पढ़ सके, जो हम दिक्कत मजबूरी सह रहे हैं उनको ना सहना पड़े, वो विदेश जाता है। कोई घूमने या शौक पूरा करने के लिए विदेश नहीं जाता, अपनी एक एक जिंदगी खराब कर। ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखा हूं कि रूम में कैलेंडर लगाए रहते हैं और एक दिनवा कटता है तो पेनिया से काट देते हैं। देखे नहीं देखे हैं, एक दिनवा काट देते, चलो एक दिन बीत गया, अपनों के बगैर एक दिन बिताना बहुत बड़ी बात। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? आप भी अपने बाल बच्चों में, हम ही हैं, दिन कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन विदेशों में क्या है, हमारी रिजारी है कि कोई नात रिजार हमारा बसा है, उसे मोहब्बत, पैसे के लिए जाते हैं ताकि 2 रुपया हम घर पे भेज सके, घर के लोग जो अपनी जरूरत पूरा कर सके। अब मजबूरी ये है कि हर एक जरूरत लगभग लगभग देखा जाए पैसे से पूरी हो रही। पहले के जमाना था उनके यहाँ चावल है तो उसके बदले हम गेहूं दे दिए, उधर से चावल मिल गया। अब अच्छा हो गया कि हर एक चीज आप पैसे को बदल के ले सकते हैं, समझ रहे हैं नहीं? तो यह है, हर एक चीज पैसे से होता है, तो हमको पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, मैं भले ही विदेश भेजता हूँ लेकिन सच जो है वही भेजे। कितने लोग विदेश नहीं, एक बार हाथ खड़ा कर, 1, 2, 3, 4 लगभग हाथ ऐसे खड़ा करिए जो लोग विदेश गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग गए हैं। वहां पे बहुत मेहनत करना होता है, सुबह 5 बजे जग जाना होता है। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सुबह उठना होता है, बाथरूम में भी लाइन लगाइए, बस में भी लाइन लगाइए। मैंने तो यहाँ तक देखा है, रात को ये लोग बना के बरसाती में रख लेते हैं, वही सीधा। झूठ बोल रहा हूँ तो बोलिएगा, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो वहां आदमी बहुत मेहनत करता है। अगर एक बात बताइए, जितना आदमी विदेश में मेहनत करता है क्या अपने देश में कर ले तो कमा लेगा कि नहीं उतना? सही थी बताइए, सही बताइए, कमा लेगा तब काहे बाहर जाने की फिराक में? अब विदेश गए हैं तब कैसे? नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां तो उसमें भी काम खत्म हो जाता है। हाँ नहीं, हमने, मैं खुद गया था विदेश, हमारे खुद मामा का लड़का, समझ रहे हैं, यहाँ पे 11 बजे तो सोता था, और उठने से पहले जहाँ सोता था वहां चाय पहुंच जाती थी कि बाबू उठेंगे तुरंत पी लेंगे। अब उसको विदेश देखे तो 4 बजे बेचारा उठ के तुरंत जो है बाथरूम, ब्रश वरस, टिफिन विफिन ले हो के एकदम लाइन में जाके 5 बजे लग गया। 5 बजे ड्यूटी जाना है तो 3 बजे उठना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उठना पड़ेगा ना। हम देख के उसको तंग लगे, बताइए, इतना बड़ा घर पे नवाब था कि 10-11 बजे उठता था, और यहाँ पे इतना मेहनत, क्यों सुनाई नहीं दे रहा आवाज? क्या पीछे हमारी, आप लोग आपस में बात करने लगे, हमको लगा सुनिए नहीं दे रहा है।
कल जो है इंटरव्यू, समझ रहे हैं नहीं, इंटरव्यू में ज्यादा टाइम रह देता नहीं, अभी नहीं है कि एक आदमी है तो हम 2 घंटा हमारा इंटरव्यू लो, नहीं 10 मिनट 15 मिनट देगा, देगा सीधा भाई देखिए शटरिंग का सामान हर एक ट्रेड का सामान रखवा दिए, गलत है सही है, देगा कहेगा भाई सीधा करके दिखाओ तुम, जो कर लिया उस हिसाब से सैलरी लगा दिया। कंपनी का कल जो है खुद मालिक आ रहा है, जान लीजिए इंजीनियर उसके दो अभी आ गए हैं होटल में छोड़ ओड़ के आ रहे हैं, लेकिन जो मालिक है लगभग 11-12 बजे जहाज से उतरेगा, मालिक आ रहा है। क्यों मालिक आ रहा है, हम अच्छे आदमियों को लेके जाए, आप अपना घर बनवा रहे हैं और आपके पास हजारों में मिस्त्री खड़े हैं और आपको कितना चाहिए, मान लीजिए 10 चाहिए, तो अच्छे से ठोक ठेका ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? हाँ, कोई कह दे भैया हम बहुत गरीब हैं तो उसको ले जाएंगे? कोई कह दे अरे सर हम बहुत परेशान, हम ले जाइए हम वहां कर लेंगे, यहाँ भले ही नहीं कर पाएंगे, ले जाएंगे? नहीं। ये कहावत है चा क्या बोलते हैं, चाम प्यारा नहीं काम प्यारा है हर एक इंसान को, और काम ही आपको आगे बढ़ा सकता है। सच्चाई यही है कि बड़े बड़ी कंपनियां कहीं भी काम करते हो आप, कंपनी आपको पैसा नहीं देती है, 1 रुपया भी नहीं, आप कमा के कंपनी को देते हैं, झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए। कंपनियां है जो सरकार से बड़ी बड़ी टेंडर लेती है, बड़ा बड़ा पैसा लेती है और आप उसमें काम करते हैं, उसका काम खत्म करते हैं, वो आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन तभी भी कंपनी को बचत होता है। अगर हम आप अपने क्योंकि हम कंपनी की वजह से नहीं बदल सकते, कंपनी की वजह से बड़ा आदमी नहीं हो सकते हैं, हम अपने वजह से बड़ा आदमी हो सकते हैं। अपने वजह का मतलब क्या है, बात समझ में आ रही नहीं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, हम आप लोग बोल ही नहीं रहे, हमको लग रहा समझ में नहीं आ रहा है। अब आदमी कुछ समझता है तो कुछ मुंह से बोलता है, हाँ ना जो भी है, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? अब कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब हो सकता है समझ में नहीं आ रहा। बहुत से लोग यह सोचते हैं कोई बड़ी अच्छी कंपनी मिल जाती तो हम बहुत बड़े आदमी बन जाते, ये पूरा गलत है। बड़े आदमी आप अपने वजह से बन सकते हैं और अपने मेहनत के बदौलत बन सकते हैं, आपके भाई नात रिश्तेदार या कोई दोस्त की वजह से या किसी कंपनी की वजह से बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। आप उठा लीजिए जो अपने अगल बगल जो आपको रहते, ऐसा नहीं सब लोग विदेश चले गए, हम ही लोगों में से हैं जो बॉम्बे में ठेकेदार बन गए, लेबर में गए थे पेंट पॉलिश करते करते ठेकेदार बन गए हैं, जहाज से आ रहे हैं गांव उतर के, आ रहे कि नहीं आ रहे? उन्होंने मेहनत किया है, कोई आया नहीं है गांव से उठा के चलिए हम तो आपको ठेकेदार बना दे रहे हैं, ठोकर खाया है वो, ठोकर खाते खाते मेहनत करते करते पैसा फंसाते फंसाते बोले टाइम पे पैसा नहीं मिला, टाइम पैसा उसका फंसते फंसते सीखते सीखते कैसे पैसा निकालना है, आज बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया है, उसके अंडर में पढ़े लिखे इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, गलत? मैं देखता हूँ जिसका ठेका है वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अपने अंडर एक इंजीनियर को भी रखा है, तनख्वाह दे रहा है, चलो ये ड्राइंग बना के इसी हिसाब से काम करो। बताइए माँ बाप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, बहुत बड़े आदमी बनेंगे, और वो आदमी जो कम पढ़े लिखा है उसी के अंदर में काम सही कह रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है कि आप लोग अपने ऊपर अभी भी टाइम है, 2-4-5-10 साल के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे सर पर अभी आपका फटेगा, बच्चों का शादी करना है, भाई जिसको पैदा किए हैं उसको पढ़ाना लिखाना शादी करना आपका फर्ज है कि नहीं है? अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आगे परेशानी नहीं आएगी। किसी के भी ऊपर विश्वास यकीन नहीं करना है कि सद्दाम भाई आए, सद्दाम भाई कह रहे हैं आपको बड़ा आदमी नहीं बनवा पाऊंगा, आपको काम करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको सहना होगा, आपको मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ेगा, जो मुश्किलों का सामना नहीं करता है वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी नेता को ले लीजिए जिसको हम लोग नेता कहते हैं, शुरू में पुलिस की पिटाई खाता है, जेल में जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? गलत है, तब जाके आदमी नेता बनता है, वाह भाई नेता जी है, गलत कह रहा सही कह रहा? तो हर एक मुश्किलों को जब हम लोग सामना करते 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 हर एक मुश्किलों को पार करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तभी जाके हम कुछ बन सकते हैं। कंपनी देश चेंज करने से हम लोग कुछ नहीं बन सकते, अपने अंदर जो है बदलाव बहुत जरूरी है। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? अपना काम गांव में देखिए, जो मेसन है जिसको हम लोग अनपढ़ कहते हैं कि नहीं किसी काम करने या देहात, सोचिए वह अपने गांव में अपने घर बैठे बैठे 500-1000 रुपया का किसी का मोहताज नहीं है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से अपना काम करता है, मेहनत करता है, लोग उसके पीछे लाइन
लगाए रहते हैं भाई, हमारो काम करो, तो क्या कहता है, क्या कहता है बताइए। समय नहीं बाबा, में करो हम काम क्यों, क्योंकि उस हुनर में मास्टर बन गया है। कोई भी आप काम करते हैं अगर उस लाइन में आप मास्टर बन गए तो आपके लोग पीछे पड़े रहेंगे, समझ रहे हैं नहीं। आज आप लोग परफेक्ट ग्रुप को जान रहे हैं, लेकिन परफेक्ट ग्रुप 10-12 सालों से चल रहा है। परफेक्ट ग्रुप जो है कई कठिनाई आई, समझ रहे हैं नहीं, कई दिक्कत हुआ। ऐसा नहीं जितने आदमियों को भेजे सब अच्छा पैसा कमा रहे, कुछ वापिस भी आए, उनको ईमानदारी से उनका हक का पैसा लौटाया गया, समझ रहे हैं नहीं। एक कठिनाई पार करते 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 आज यहाँ तक पहुंचा है कि आप लोग जान रहे हैं। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। पहले अपने ही ना तो रिजल्ट दुपहिया ज्यादा चिरौरी करना पड़ता था, ये कंपनियां बीजा दे रही है बाबू चले जाओ, बहुत अच्छा है। रिजर्व कहता था ना ना जाए ना, तो फिर चिरौरी कहता जाता अच्छा ठीक है जाओ पैसा कमा के देना, लेकिन जाओ तुम हमारे जितिया बच जाए, समझ रहे हैं नहीं। तो इस तरीके से काम हुआ। तो मेन यही कहना है कि आप अपने ऊपर अभी भी टाइम है, यकीन करना सीख लीजिए। होता क्या है कि बहुत से लोग जो इसमें बैठे हैं, कोई तीसरा आदमी ने आपको भेजा होगा, भेजा है कि नहीं भेजा है, भेजा है। कल इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, क्लाइंटवा कह गए अंगूठा लगाओ बीजा अप्लाई होने जा रहा है, इतना तनखा लगाए है तुम्हारा, तो आप क्या कहेंगे, रुकिए हम पहले पूछ लें उनसे फोनवा पे, और वो आपका सिचुएशन नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं तो कहे भाई छोड़ मत जो बहुत कंपनी आई, अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फैसला आपको लेना होगा, और जो इंसान फैसला नहीं ले पाता है वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। आपने फैसला लिया, गोरे पुराना है, आ गए आप, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। कुछ लोग यह सोचे आज कहाँ निकलेंगे, कल निकलेंगे हम, लेकिन पता चला कल जो है आते आते आलिशा क्या छोड़ो जान तो बाद में जाएंगे, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तो फैसला लेना पड़ेगा, आपने आने का फैसला लिया इसलिए आप बैठे हैं हमारे सामने बात हो रहा है, समझ रहे नहीं। आप विदेश जा पाए या ना जा पाए, हमारे नहीं किसी भी ऑफिस से जाइए, लेकिन दिमाग में एक चीज अच्छे से बैठा लीजिएगा कि आपको अपने ऊपर यकीन करना है। जब आप लायक रहेंगे तो पूरी दुनिया आपको सलाम ठोकी कि आपको इज्जत करे, गलत करे सही करे। जब किसी लायक नहीं रहेंगे ना, तो आपका बच्चा भी आपको उल्टा पुल्टा बोलेगा, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, भाई साहब बोलते हैं लोग पैसा उतना विदेश में भी कमा रहे हैं और यहाँ पर भी कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बसता नहीं है। क्यों नहीं बसता है? क्योंकि आपस में परिवार में प्यार मोहब्बत खत्म हो गया है, गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमको ज्यादा टाइम अपने छोटे बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, परिवार के साथ बिताना चाहिए, हम मोबाइल में लगे हुए हैं, गलत है सही है। कहने के लिए घर है, चार लोग रह रहे हैं, लेकिन चारों लोग एक दूसरे को दिन भर में 10-20 मिनट भी टाइम नहीं दे रहे, तो प्यार कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई? चटनी रोटी ही है, हम अपने भाई को अपने हाथ से खिला दिए, वो आपको खिला दिया, तो घर में जो कहा जाता है बरकत कहा जाता है, संस कहा जाता है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जिस घर में मोहब्बत प्यार हो तो सारी चीजें आसान हो जाती है, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? इस चीजों पे ध्यान दीजिए, भले ही पैसा कम कमाइए लेकिन घर परिवार गांव में सबसे मिलजुला के रहा करिए। आजकल क्या हो गया है, एक दूसरे से नफरत, अगला मोटरसाइकिल भी ज्यादा तब वो दिल से करी आओ तो एक साल देखे कितना बढ़िया नया नया, गलत कह रहे सही कह रहे? ये सब चीजें निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। पहले के इंसान एक आदमी कमाता था पूरा घर खाता था, क्या उस समय सस्ती जमाना था? उस समय इससे भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। आज तो पैसे बदौलत गैस से खाना बना सकते थे, पहले लकड़ियां बीन उनके लाना पड़ता था, पत्ता बीन, हम भी पत्ता बीने हैं बचपन में, ठंडी में बोरा लेके निकल जाते थे, पत्ता भर के लाते थे तो वही जलता था जान ली। लेकिन पहले आपस में लोगों की मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हमारे बुजुर्ग खड़े हैं तो हमारे बैठने की हिम्मत नहीं है, अब तो वहां के आदमी पहले कुर्सी थमा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो ही बेहतर होगा। आपके घर को कोई तीसरा, कोई बाबा वाबा चाहे कोई हाफिज जी पंडित जी नहीं बदलेंगे, आपको खुद बदलना पड़ेगा, गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बाप को आप पैसा मत दीजिए, लेकिन शाम को जाइए थोड़ा पैरवा उनका दबा दीजिए, सुन रहे मेरी बात को? तो पैसे से बड़ा हो गया कि पहले तो उनको झटका लग जाएगा, बेटा हुआ कहा हुआ, कोई नशा वशा कर गया है क्यों, ये इतना छोटा से इतना बड़ा हो गया, आज तक पैर हमारा दबाया ही नहीं, इसको कहा हो गया आग लगा हमारा पैर दबाने के लिए क्यों? कितना जो है दुआ आपको देंगे, दुआ देंगे कि नहीं देंगे? निकलेगा
वहां से जाते कबो लायक नहीं हुई है। हाँ, जो कहेंगे हमारा बेटा जो सोचे वो हो जाए, हमारा पैर पैरों पूरा नहीं दबा कहेंगे बाबू रहे था भले ही पैरवा किन्ना। हिम्मत जो है जुटाना पड़ेगा, क्योंकि वही माँ बाप जब नहीं रहेंगे तो उनके लिए कोने में जाके हम रोएंगे और उनके लिए हम कुछ कर रो नहीं पाएंगे। गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? पिंडदान भी करेंगे तो पता नहीं उनके तक पहुंचेगा कि पंडित जी के पास आ जाएगा, लेकिन अभी जिंदा है तो उनका थोड़ा सा खिदमत करना बहुत जरूरी है। हम भी देखिए अभी तक जहाँ है सेवा से हुए, जो भी बुजुर्ग आता है, जो भी लोग आते हैं, जो हमारा फर्ज है वो बताना। गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? तो धीरे धीरे यहाँ से आए। एक जमाना था कि हम खुद मोहताज थे, खाने के लिए गोरखपुर में भटकते थे, खाने पे नौकरी की है कि हमको खाना मिल जाएगा, कुछ सीखने को मिल जाएगा, बस बाकी ऊपर वाले मालिक इन अपना काम ईमानदारी से, समझ रहे हैं? नहीं तो कौन कौन साथी हैं जो घर जाने के बाद कम से कम अपने पिताजी माताजी की सेवा करने के बाद हाथ खड़ा करिए? तो क्यों? क्योंकि जब हुआ पास भी आप हो जाएंगे, अगर माँ बाप आपके नाराज रहेंगे तो विधवा नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। पता चला आप बीवी के साथ अलगे बना खा रहे हैं, अब माँ बाप को झांकी नहीं रहे हैं कि खाए भी कि नहीं, तो विधवा निकलेगा आपका? कहेंगे लोग परफेक्ट गुरु तो चूतिया बनाता, विधवा नहीं निकला वहां। आप ही लोगों में कुछ लोग पहुंच जाएंगे, कहेंगे अरे तो फलनवा का वीडियो देखो, इंटरव्यू साथ दिया था तो उसका वीडियो मार रहा हो, तो पहुंच गए। तो बड़ी जरूरी है सेवा, सेवा से हर एक चीज जो है मिल सकता है, ठीक है? समझ रहे हैं? तो आप जो है इंटरव्यू देना है, इत्मीनान से सारे लोग का इंटरव्यू होगा रात को 12 बजे से। आज भी हंडा चढ़ा है, कल भी हंडा चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं नहीं मेरी बात? इत्मीनान से टेस्ट को पास करना है, समझना है, ठीक है? कल जो लोगों को ज्यादा काम मालूम रहेगा वो पहले इंटरव्यू देंगे, ताकि आपको बाद में आकर बता सके क्या पूछ रहा है, कैसे कैसे क्या क्या, समझ रहे हैं? तो सारे स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, जैसा वो लोग बोलते हैं चुपचाप वैसा करना रहेगा आपको। समझ रहे हैं ना मेरे बात को?